महागठबंधन के तमाम विधायक जो है आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा से राजभवन मार्च कर रहे हैं। इस वक्त हम राजभवन के पास हैं और तेजस्वी यादव सभी विधायकों के साथ अभी अभी अंदर गए हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है वो यहां पर मौजूद हैं और अग्निपथ योजना के विरोध में ये विधानसभा से लेकर के राजभवन मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर RJD वाम दल के तमाम विधायक मौजूद हैं और सभी को जो है अंदर लेकर के जाया गया है। तेजस्वी यादव खुद अंदर मौजूद हैं। हम बात करेंगे RJD के कोई विधायक है राकेश रोशन जी। रोशन जी, आप लोग विधानसभा मार्च राजभवन मार्च कर रहे हैं, आप लोग क्या ज्ञापन सौंप रहे हैं आज महाभारत? राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। महागठबंधन के सभी दल जो हैं राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPM और माले की तरफ से कि जो अग्निपथ की सरकार की योजना है इस योजना को वापस लिया जाए। वापस लेने के पीछे हम लोगों का जो तर्क है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां 48% बेरोजगारी है, वहां के नौजवान को आप सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं और 4 साल तक उसको भर्ती करिएगा, उसके बाद उसका भविष्य असुरक्षित है। सरकार कहीं घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम उसको फिर नौकरी में जगह देंगे और उसको हम पुनः कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने कहा कि मात्र 25% लोगों को हम नौकरी देंगे, बाकी लोगों को उपलब्धता के आधार पर हम सोचेंगे। तो इस तरह से ये बेरोजगारी के साथ जो क्रूर मजाक किया जा रहा है, एक नौजवान जो अपने भविष्य को ही सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो देश को क्या सुरक्षित रखेगा? तो कह रहे कि अब वापस नहीं होगा, सभी बहाली जो है अब इसी तरह। देखिए, ये तो NDA की सरकार शुरू से कहते रही है। किसान आंदोलन भी हम लोग चला रहे थे तो उस समय भी कहा कि किसान विरोधी बिल है, इसको वापस हम किसान के हित में बिल है, हम वापस नहीं लेंगे। जब जन आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे राष्ट्र के पैमाने पर प्रतिरोध हुआ तो सरकार ने वापस लिया। उसी तरह से हम लोग अग्निपथ में भी जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन आप देख रहे हैं, ये तो है, इसमें तो कोई दल का बहुत बड़ा भूमिका नहीं। जन खुद जो उससे प्रभावित है, छात्र खुद रोड पर आ रहा। कृषि कानून में एक नेतृत्व था जो पूरे देश में अगुवाई कर रहे थे, यहाँ पर तो कोई नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे होगा? नेतृत्व तो मुद्दा के आधार पर बनता है ना जी। मुद्दा के आधार पर जो भी NDA के विरोध में है सब लोग को एकजुट होना चाहिए। हमारे नेता ने तो खुद कहा, आदरणीय लालू यादव जी ने, कि सबको इस पर इकट्ठा होकर के देश के अंदर एक अभियान चलाना चाहिए। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जब सेना की बहाली होगी तो आप समझ सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट पर सेना की बहाली होगी तो देश के सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर सारे लोगों को एकजुट होकर के प्रतिकार करना चाहिए। आगजनी हो रही है, उपद्रव हो रहा है, BJP करी सब जिहादी है, समीकरण वाले मानसिकता के लोग हैं। नहीं, ये तो BJP के लोग जिहादी कहते हैं तो आपको पता है कि आंदोलन करना क्या लोकतंत्र में जिहादी बनना होता है क्या? लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है कि अपनी समस्याओं के लिए हम आवाज़ उठाएं, तो यदि हम आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो ये भाजपा के लोगों को समझ में आ सकता है कि हम आतंकवादी हैं, लेकिन जनता तो हमको सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। तो जब जनता नहीं सर्टिफिकेट देगी तो उनके सर्टिफिकेट से हमको क्या मतलब है? आगे भी आप लोग इस तरह का आंदोलन करेंगे? हाँ, अब तो फिर समीक्षा किया जाएगा, समीक्षा के बाद फिर मिल बैठ के हम लोग आगे इस आंदोलन को चलाएंगे। चलिए ठीक। हमारे साथ थे RJD के विधायक, इस्लामपुर से विधायक है राकेश रोशन जी, जिनका कहना है कि आगे भी हम लोग इस तरह का आंदोलन चलाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा, अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। आप देखना होगा सरकार जो है किस तरह से इस पर अब विचार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।